फर्म्स हो गई, बिजनेसमैन हो गए, हम और आप भी हो गए, हमें कार लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? बैंक से लोन लेने आते हैं, राइट? हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू प्लूटस आईएएस. गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सिचुएशन दैट इज वेरी रेलेवेंट. इट हैज बीन इन न्यूज फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज एंड इट इज कंसर्न्ड विद द इंडियन इकोनॉमी. द टॉपिक इज द शार्प डिक्लिनेशन इन द सेविंग्स इन द बैंक्स. या इंडियन बैंक्स आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ डिक्लिनेशन इन सेविंग्स. सो गाइस, सेविंग्स कम हो रही हैं, मतलब लोग अपना पैसा कम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक्स के पास, जिसकी वजह से बैंक्स को ये क्राइसिस मिल रहा है. एंड गाइस, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देते हैं कि एक्चुअली सेविंग से फर्क क्या पड़ता है. सो अंडरस्टैंड, होता क्या है, सपोज दिस इज योर बैंक, इट कैन बी एनी कमर्शियल बैंक, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, HDFC, टू नेम अ फ्यू. तो जब लोग, यानी मेरे और आपके जैसे हाउस होल्ड को बिलोंग करने वाले लोग अपना पैसा बैंक में आके जमा करते हैं, तो हम लोगों को एक टर्म दिया जाता है, एक नाम से पुकारा जाता है, और वो नाम है डिपॉजिटर्स, राइट? व्हाई? बिकॉज वी आर डिपॉजिटिंग आर मनी इन बैंक. ठीक है, हम लोग क्यों अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि हमें बैंक इस पैसे की वजह से कुछ इंटरेस्ट देता है, जो कि हमारी अर्निंग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेविंग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करें, तो आइडियली हमें राउंड अबाउट 3-4% का पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है. ओके, अगर हम अपना FD में पैसा डिपॉजिट करें फिक्स डिपॉजिट में, तो 7-8%. इसी तरह से अलग अलग रेट्स है सेवरल बैंक के, पर हमें कुछ रिटर्न मिलता है पर एनम. ओके, तो लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. अभी बैंक क्या करता है, देखिए, बैंक के पास बोरोवर्स हैं, फर्म्स हो गई, बिजनेसमैन हो गए, हम और आप भी हो गए, हमें कार लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, तो हम लोग कहां जाते हैं? बैंक से लोन लेने आते हैं, राइट? बैंक इसी पैसे को उठा करके बोरोवर्स को लोन आउट कर देता है. ओके, और बैंक बोरोवर्स से इस लोन के एवज में इंटरेस्ट लेता है. जो इंटरेस्ट बैंक बोरोवर्स से ले रहा है वो ज्यादा होता है उस इंटरेस्ट से जो बैंक डिपॉजिटर्स को, मुझे और आपको, दे रहा है अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने बोरोवर से 12% इंटरेस्ट लिया और हम लोगों को मान लीजिए 4% इंटरेस्ट दिया, तो ये जो डिफरेंस है 8% का, ये बैंक की अर्निंग हो गई, जिससे बैंक अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करता है. अंडरस्टूड? ये सिस्टम समझ गया? तो अब हो क्या रहा है कि डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक में कम डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट इज डिक्रीजिंग, और अगर डिपॉजिट डिक्रीज होएगा तो बैंक के पास सफिशियंट फंड नहीं होगा लोन आउट करने के लिए, यानी बोरोवर्स को वो पैसा लोन आउट नहीं कर पाएगा. इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है. होगा ये कि जब पैसा बोरोवर्स को नहीं मिलेगा, मैं और आप तो पर्सनल लोन ले रहे हैं, कार के लिए लोन ले रहे हैं, हाउस के लिए लोन ले रहे हैं, पर जो फर्म्स हैं, जो मेन बोरोवर्स हैं बैंक के, वो इस पैसे को लेकर के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वो कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, मशीन्स खरीदते हैं, न्यू फैक्ट्री डालते हैं, नई कंपनी डालते हैं. इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी में वो लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, राइट? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, ड्यू टू दिस एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आएगा, राइट? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाएगी, गेटिंग? हाँ, यानी ओवरऑल ग्रोथ होगी. तो अगर डिपॉजिटर्स ही अपना पैसा कम डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो जो पूरा सिनेरियो है ये इफेक्ट हो जाता है. अंडरस्टूड माय पॉइंट? प्रॉब्लम क्या है, समझ में आई आपको? ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या रीजंस हैं, क्यों लोग
कम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, बैंक के डिपॉजिट्स क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, और ये रीसेंट ईयर में ऑब्जर्व किया गया है। अगर मैं आपको कर्व दिखाऊं तो देखिए 53-54 से स्टार्ट किया गया है और 22 तक का डेटा है मेरे पास, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 आप देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया सेविंग में, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है 2014 से और ये डिक्लाइन ही करता जा रहा है। थोड़ा सा 2018 में बूस्ट मिला लेकिन फिर से आगे डिक्लिनेशन है। तो लोगों की डिपॉजिट करने की जो हैबिट है आप कह लीजिए वही धीरे 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 कम होती जा रही है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीजन तो ये है राइजिंग इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन इज द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, यानी सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। मैं आपको बड़ा नटशेल में बता रहा हूं क्योंकि इन्फ्लेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। तो जब इन्फ्लेशन राइज करेगा तो क्या होगा, चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे, सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए इनकम तो बढ़ी नहीं है, लोग कमा तो अभी भी उतना रहे हैं, इनकम तो कांस्टेंट है, लेकिन चीजों के दाम बढ़ गए तो इससे लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल देयर इज सम मिस्टर ए और उनका पर मंथ का एक्सपेंडिचर था 5000, ठीक है ना, एक महीने में वो 5000 रुपीज स्पेंड करते थे कंजम्पशन में, यानी वो कपड़े खरीदते थे, अपने रूम का रेंट देते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते थे, सब्जी खरीदते थे, आटा खरीदते थे, खाते पीते थे। तो मान लेते हैं 5000 में उनका पूरा काम हो जाता था। ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो अब क्या होगा, यही सेम, ध्यान दीजिए उन्होंने अपना कंजम्पशन नहीं इंक्रीज किया है, अभी भी वो उतने ही गुड्स यूज कर रहे हैं जितना वो पिछले मंथ में यूज कर रहे थे, लेकिन फॉर सेम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन अब उन्हें 7000 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं पर मंथ। इसका मतलब उनकी इनकम फिक्स है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया, पर उनका एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। सैलरी फिक्स है, खर्चे बढ़ गए तो अब क्या करेंगे, बाकी काम भी तो होते हैं, तो अब खर्चों को कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहा, तो अब लोग क्या करेंगे, पीपल विल रिड्यूस देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन कम करेंगे, मार्केट में कम पैसा जाएगा, क्योंकि लोग परचेज नहीं कर रहे, लिक्विडिटी कम होएगी, जिससे ग्रोथ इफेक्टेड होएगी, कंपनीज अब उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगी, लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट खो बैठेंगे, ये सारे इफेक्ट्स होंगे इन्फ्लेशन से। और एक और बात समझिए, अगर कंजम्पशन उतना कम नहीं किया, 7000 लग रहे हैं, कम करके 6000 तक भी ले आए, तो पहले 5000 था फिर भी इंक्रीज कर दिया ना, 6000 हो गया। अगर मिस्टर ए की इनकम 10000 है और अब वो 6000 कंजम्पशन में लगा रहे हैं, पहले 5 लगा रहे थे तो 5 सेव कर पा रहे थे, अब 6 लगा रहे हैं तो 4 सेव कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 4000 रुपए हो गई ना सेविंग, रिड्यूस कर गई ना सेविंग, तो कैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में। तो वही है, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज इंक्रीज, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज, रिड्यूसिंग टू लीडिंग टू रिड्यूस्ड डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जो अर्निंग होती है उसमें टैक्स माइनस कर दीजिए, तो जो पैसा आप खर्च कर सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई हाउस होल्ड की, एक्सपेंसेस क्रिएट, फूड, फ्यूल, यूटिलिटीज ये बढ़ गए, सब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है पैसे सेव करना, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकेंड है लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट। रीसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, दैट इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट इन इंडियन बैंक्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली लो, ऑफन लोअर देन इन्फ्लेशन, दिस हैज मेड सेविंग अकाउंट्स लेस अट्रैक्टिव
फॉर इंडिविजुअल्स लुकिंग फॉर रिटर्न ऑन देयर मनी, सेविंग अकाउंट 3% इंटरेस्ट दे रहा है, इन्फ्लेशन 6% है, जस्ट डबल। यानी कि आपके पैसे अगर आप 100 रुपये बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं और उस 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपीज़ है प्रेजेंट ईयर में, तो अगले साल उसकी वैल्यू 6 - 3 6 रुपीज़ कम हो गई इन्फ्लेशन की वजह से। वैल्यू रुपए अभी भी 100 रहे पर अब उसकी वैल्यू 6 रुपए कम हुई इन्फ्लेशन की वजह से, 3 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, 6 - 3 वो 100 रुपीज़ की वैल्यू अब 97 है। तो आप कुछ गेन नहीं कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, रेदर योर मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू इफ यू हैव डिपॉजिटेड इट इन सेविंग अकाउंट। तो इस वजह से लोग अब थोड़ा मूव अवे कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने से। गेटिंग मी? चलिए नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखिए कंज्यूमरिज्म का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, लोग बहुत, अब आप देख सकते हैं, अब YouTube देखिए, Google में आइए, Facebook, एनी सोशल मीडिया यू आर यूजिंग, कुछ देर बाद आपके सामने एक ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स हैं, इतने अच्छे एडवर्टाइजिंग एजेंसी का वर्क है कि आपको पुल कर लेता है अपनी तरफ एंड यू स्पेंड द मनी। कंज्यूमरिज्म बहुत इंक्रीज कर गया है, लोग अपनी अर्निंग का मोस्ट ऑफ द चंक स्पेंड करे दे रहे हैं। तो जब ज्यादातर स्पेंड कर देंगे, अर्निंग इज इक्वल टू व्हाट, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जब ये इंक्रीज कर जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है सेविंग डिक्रीज कर जाएगी, यानी बैंक में कम पैसा डिपॉजिट करेंगे। वही चीज है, देयर हैज बीन राइज इन कंज्यूमरिज्म पर्टिकुलरली अमंग मिडिल क्लास विद स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स। एप्पल का फोन लेना है, ट्रेवल करना है, वेकेशन पे जाना है, पीपल आर ऑप्टिंग टू इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस एंड एसेट्स रेदर देन सेविंग। लोग लाइफ जीना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, महंगे महंगे गैजेट्स ले रहे हैं, तो अब वो अपनी इनकम को सेव करने की बजाय उसको लिव करने में ज्यादा यूज कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का डेट का एज चल रही है, तो अब लोगों के पास एक्सपोजर है कई सारे डायमेंशन से। लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बड़ा सिंपल है, SIP बना लेते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब वो हर मंथ 5,000 रुपए 10,000 रुपए जो कि वो अपने सेविंग्स अकाउंट में डालते उसमें ना डाल करके म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, उनको उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उनको एक दूसरा वे मिल गया, वो उधर जा रहे हैं। और सेविंग में, जैसा मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने सालों से कांस्टेंट है, इन्फ्लेशन से भी कम है। म्यूचुअल फंड 9-10% रिटर्न तो दे रहा है, इन्फ्लेशन तो बीट कर पा रहे हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे डायमेंशन की तरफ। गेटिंग मी? अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब इनसिक्योरिटी। जॉब लूजेज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लोअर सेविंग्स एज पीपल हैड टू डिप देयर सेविंग्स टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस। देखिए COVID-19 जो पेंडेमिक था, ग्लोबल सिचुएशन थी, उस टाइम पे बल्क ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। सो ऑब्वियसली व्हेन दे लॉस्ट देयर जॉब देयर सोर्स ऑफ इनकम वॉज कट, हेंस दे हैड टू रिलाय ऑन देयर सेविंग्स दैट दे डिड इन ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ देयर वर्क। तो जब वो अपने सेविंग्स पे स्विच करे, सेविंग्स को कंज्यूम करने लगे, क्योंकि जिंदा तो रहना है, तो क्या हुआ, सेविंग रिड्यूस हो गई। ये भी एक कारण है डिक्लाइन इन सेविंग्स का इन बैंक्स। डीमोनेटाइजेशन एंड कैश यूजेस। आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन इन 2016 मेनी इंडिविजुअल डिपॉजिटेड कैश इन बैंक्स टेम्पररी। वंस लिक्विडिटी इंप्रूव्ड, सम ऑफ दिस मनी वाज विथड्रॉन लीडिंग टू अ शॉर्ट टर्म स्पाइक फॉलोड बाय डिक्लाइन इन बैंकिंग सेविंग्स। 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया और उस टाइम पे ऑब्जर्व किया गया कि बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज कर गए, स्पाइक अप कर गए, सडन इंक्रीज, लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमेना था क्योंकि उस टाइम पे कोई और ऑप्शन नहीं था, लोगों ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। जब वो सिचुएशन पास आउट हो गई
लोगों ने फिर से कैश विड्रॉ कर लिया, लिक्विडिटी जो बैंक में इंक्रीज करी थी, डिपॉजिट्स जो बैंक में इंक्रीज करे थे वो कम हो गए। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड लास्ट इज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी हैज ऑल्सो प्लेड अ रोल। मोर इंडिविजुअल्स आर बिकमिंग अवेयर ऑफ बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स व्हिच इंक्लूड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड ट्रेडिशनल बैंक सेविंग्स। ओके, आज की डेट में लोग स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान रहे हैं, अदर फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्रिप्टो वगैरह की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसकी वजह से लोग अब बैंक में जो कन्वेंशनल तरीका था सेविंग का उससे दूर हटते जा रहे हैं, रिपल्सिव होते जा रहे हैं और इन न्यू मेथड्स एंड मोड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से सेविंग्स बैंक में रिड्यूस हो रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर टॉपिक और आपको मजा आया होगा। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।